कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं सम स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल। तो देखते हैं कौन सा एग्जांपल हमको दिया हुआ है। तो आज हमको एग्जांपल दिया हुआ है अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट कंसिस्ट अ 8 क्वेश्चन विद द 3 आंसर्स टू ईच ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट। यानी कि 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें कितने ऑप्शन हैं? 3, और उसमें से कोई एक क्या है? करेक्ट है। अ स्टूडेंट आंसर ईच क्वेश्चन। स्टूडेंट क्या करता है? सारे क्वेश्चन आंसर करता है बाय रोलिंग अ बैलेंस डाई एंड चेक द फर्स्ट आंसर इफ ही गेट 1 or 2 द सेकेंड आंसर इफ ही गेट 3 or 4 एंड द थर्ड आंसर इफ ही गेट 5 and 6 टू गेट द सेक्शन द स्टूडेंट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 75% करेक्ट आंसर। इफ देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सिक्योर अ डिस्ट्रिक्शन। यानी कि उसको क्या दिया हुआ है? 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें कितने ऑप्शन हैं? 3, उसमें से एक ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। तो यानी हमारा एन क्या हो जाएगा यहाँ पे? 8। उसको क्या किया बाद में? उसको एक डाई दे दी। अगर उसमें आंसर क्या आया? 1 or 2 आया, उसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? करेक्ट है। उसके बाद अगर 3 or 4 आंसर आया तो उसका मतलब क्या हुआ? सेकंड आंसर करेक्ट है। और अगर 5 or 6 आया उसका मतलब क्या हुआ कि उसका थर्ड आंसर करेक्ट है। अगर उसको 75% करेक्ट आंसर लाने हैं तो उसके लिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखते हैं 75 यानी कि सबसे पहले तो हमको फाइंड करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन। उसके लिए हमको चाहिए पी। तो पी कैसे फाइंड करेंगे हम भाई साहब? 3 आंसर है तो इसका मतलब पी क्या हो जाएगा हमारा? 1/3। पी मिल गया तो क्यू भी मिल जाएगा भाई साहब। क्यू क्या होगा? 1 - p यानी कि 1 - 1/3 क्या हो जाएगा? 2/3। पी मिल गया, क्यू मिल गया, एन तो हमको दिया ही था। एन इज इक्वल टू क्या था? नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे? 8। सारी वैल्यू मिल गई हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के लिए एन सी एक्स पी रेस टू एक्स एंड क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, जहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 0 से लेके 8 तक। प्रोबेबिलिटी दैट द डिस्ट्रिक्शन यानी कि डिस्ट्रिक्शन के लिए उसको कितने आंसर करेक्ट होने चाहिए? 75% उसको लाने हैं 8 में से, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसको कितने आंसर करेक्ट होने चाहिए? 6, 7 and 8। अगर उसको 5 करेक्ट है तो उसको 75 करेक्ट नहीं होगा तो उसको डिस्ट्रिक्शन मिलेगा नहीं। उसके लिए उसको कितने आंसर करेक्ट होने चाहिए? 6, 7 and 8। इसका मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी? लेस देन और इक्वल टू 6। यानी x की क्या वैल्यू होगी? 3, 6, 7 and 8। उसको हम इसमें रख के उसका आंसर फाइंड करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 6 के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 8 के लिए। 3 है हमारे पास, समेशन ले लेते हैं। समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 6 to 8 प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x क्या होगा? समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 6 to 8 यानी कि 8 c x। p की वैल्यू थी 1/3 रेस टू x, क्योंकि वैल्यू थी 2/3, n की वैल्यू क्या थी? 8 माइनस x, x की एक जगह पे हम क्या करेंगे चेंज, 6, 7 and 8 उस तीनों का क्या करेंगे? सम। तो हमको आंसर क्या मिलेगा? 43/2187। तो इसका पॉइंट में आंसर क्या हो जाएगा? 0.0197 यानी कि
बच्चा जो है वो उस डिस्टिंक्शन के साथ पास होकर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.0197। तो ये हो गया हमारा आंसर।